हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, देखिए कितने अच्छे अच्छे से फ्लावर्स खिल रहे हैं गार्डन में, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये रेड कलर के। और लंबा से चला गया है ये प्लांट, तो ऊपर तक पूरा खिलता रहता है फ्लावर। तो गुड़हल के प्लांट्स बहुत ही फ्लावर अच्छे लगते हैं। तो ये येलो हो रही हैं, ये मल्टी पेटल्स वाले गुड़हल हैं, ये हमारे पॉट में लगे हैं। तो ये पीले ही हो रही है इसकी कलियां, और गिर रही हैं पता नहीं क्यों, कुछ न्यूट्रिएंट की कमी लग रही है शायद। लेकिन पत्ते तो बहुत ग्रीन है इसके, और हेल्दी भी है प्लांट, फिर भी कलियां गिर रही हैं येलो होके। कई कलियां गिर गई हैं, कम से कम 10-12 कलियां तो गिर ही गई हैं इसकी। और हम इंतज़ार में हैं कि ये खिलें तो अच्छा लगे। देखें, मल्टी पेटल्स वाला पहली बार खिलेगा मेरे पास, तो गिर जाता है। देखें कब खिलेगा ये, अभी तो कितने सारे गिर गए हैं। और मिर्च की हार्वेस्टिंग करने जा रहे थे हम, तो आप लोग भी देखें कितनी सारी मिर्च लगी हुई हैं, और इसमें रेड हो गई हैं सारी, सूखने लगी हैं। हार्वेस्ट नहीं किया है तो, अगर नहीं करेंगे हार्वेस्ट तो ख़राब हो जाएंगी सूख के सारी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, रेड कलर की लदी हैं, लगी हुई हैं, तो इसीलिए नहीं हार्वेस्ट कर रहे थे, और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। देखने में भी अच्छा लग रहा था, तो आज करेंगे हम। रेड वाली जितनी भी हैं सारी कर लेंगे, थोड़ी ग्रीन वाली भी कर लेंगे। तो ये सारी ऑर्गेनिक हैं सारे प्लांट ही, ये मिर्च और जितनी भी ये टमाटर और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, इनमें कोई खाद नहीं डालते हैं केमिकल। तो ये बहुत ही हेल्दी हैं। जब अपने घर में वेजिटेबल्स लगाएं तो केमिकल बिल्कुल ही ना डालें, क्योंकि मार्केट में तो मिलते ही रहते हैं केमिकल वाले। अगर हम घर में कुछ लगा रहे हैं वेजिटेबल्स, तो उनमें ऑर्गेनिक खाद ही डालें, जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि कितना नुकसान होता है वो केमिकल से, कितना नुकसान होता है हम लोगों को जो सब्जियां आती हैं मार्केट में। तो घर में जब लगाएं तो उनमें ना ही डालें तो अच्छा है, चाहे थोड़ी बहुत ही मिले हमको, लेकिन ऑर्गेनिक और फ्रेश बढ़िया मिलेगी, जो हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी। तो कितनी अच्छी लग रही है रेड रेड, और उसमें ग्रीन भी है। तो यहाँ पे दो प्लांट अपने आप से ही उगे थे, और उनमें ढेरों मिर्च लगती रहती हैं, और हम हार्वेस्ट करते रहते हैं, और फिर से फ्लावरिंग होती है और फिर से मिर्चियाँ लगती हैं। तो इतनी ढेर सारी मिर्च लगी थी, तो कहाँ तक कैंची से काटते, तो ऐसे ही हमने हाथ से हार्वेस्ट किया है। बहुत ही तीखी भी है, बाज़ार वाली जो होती है तो वो इतनी तीखी नहीं होती है, ये वाली बहुत ज़्यादा तीखी है। तो हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा से इसको पिंच कर देंगे, हल्का हल्का से प्रून कर देंगे, तो फिर से इनमें ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग आएगी। तो घर में छोटी छोटी जो सब्जियां हैं ये आसानी से उगने वाली, ये बहुत अच्छा लगता है हमें लगाना और हार्वेस्ट करना। हार्वेस्ट करो तो बहुत ही अच्छा लगता है। कई दिनों से सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो आज सुबह ही हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, वही 7 बजे हैं, और सोचा कि लाओ सुबह ही सुबह कर लें। बहुत तेज़ धूप हो जाती है तो कोई काम नहीं कर पाते हैं, मन नहीं करता है कि इधर हम आए कुछ करें, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है। तो ये मिर्च थोड़ी बहुत सूखने भी लगी है, सूखी मिर्च बन गई है, और कुछ ग्रीन भी है, कुछ रेड भी हैं, कुछ हल्की से सूखी है, कुछ सही है। तो ये तो पत्तियाँ भी इनमें आ रही हैं, और पौधा हमारा बहुत ही हेल्दी है, हरा भरा सा है माशाल्लाह। और ये कड़ी पत्ता है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, हरा भरा, बहुत लंबा हो गया है, इसको कट करने वाला है करी पत्ता। तो हमें एक ही प्लांट से ढेर सारी मिर्च मिली है, एक प्लांट में अभी थोड़ी ग्रीन थी तो उनकी हार्वेस्टिंग नहीं की है, इधर साइड में है उसी के। तो ये इनमें ज़्यादा रेड हो गई थी और सूखने भी लगी थी, तो वही हम कर रहे हैं। तो जब ये हार्वेस्टिंग के बाद जब फिर से फ्लावरिंग आएगी, कट करने के बाद, प्रून करने के बाद, तो ऐसे आप लोग भी लगाएं अपने अपने छोटे से गार्डन में
छोटे छोटे प्लांट इन सब्जियों के, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। तो ये प्लांट हमारा बड़ा से हो गया है और इसकी टहनियाँ बहुत नाजुक नाजुक सी हैं, लेकिन मिर्च बहुत ढेर सारी लगी हुई है इनमें, और कई बार हम हार्वेस्ट कर चुके हैं फिर भी इतनी ढेर सारी लगी हुई है। और इधर वाले प्लांट में अभी हरी हैं थोड़ी, खाने के साथ जब फ्रेश ताज़ी मिर्च तोड़ के लेके जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम दो लोग इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा इसमें मिर्च है कि दोनों लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी बेटी भी और मैं भी। इधर हमारे गार्डन में पीपल से पत्ते बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बहुत ज़्यादा पत्ते पड़े रहते हैं, तो इनसे भी बहुत फ़ायदा होता है क्यारी में, ये अपने आप ही मल्च का काम हो जाता है, मल्चिंग हो जाती है क्यारी और गमलों की। तो पत्तों से फ़ायदा भी बहुत है लेकिन नुकसान भी बहुत है, क्योंकि कीड़ों का डर रहता है, आपसे कई बार बताए हैं हम, तो बहुत देखभाल के हमको काम करना पड़ता है। आप लोग भी अपने गार्डन में बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे से काम करें गार्डन में जब भी आएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिर्च कितनी ढेर सारी हमको मिली है, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी रेड और जो ग्रीन है, और उसके साथ पत्तियाँ भी हैं, टहनियाँ भी छोटी छोटी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो कितनी ज़्यादा देखिए ऑर्गेनिक और फ्रेश मिर्च मिली है हमको, आप लोग भी ऐसे लगाएं और मज़ा लें, देखिए कितना अच्छा लगता है जब हार्वेस्ट करो तब, और देखभाल भी ज़्यादा नहीं होती है, और क्यारी में है इसे और ही देखभाल ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, और ढेर सारी मिर्च भी मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।